नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं। चर्चा में के आज के इस खास पेशकश में आज का हमारा टॉपिक है बिहार से पलायन की सबसे बड़ी वजह। भूभाग की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 3रा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसके बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के जनसंख्या घनत्व के मुकाबले और भी भयानक स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ थी, जो कि देश के कुल जनसंख्या की लगभग 9% है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में 9 करोड़ से ज़्यादा यानी लगभग 89%, जबकि शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा यानी लगभग 11% लोग रहते हैं। ऐसे में भले ही क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का देश में 13वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या के मामले में देश के केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या ही इससे ज़्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि दर के मुकाबले बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व कहीं ज़्यादा है। 2001 से 2011 के बीच यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 25% से भी ज़्यादा दर्ज की गई। ऐसे में क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा होना बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और यह बिहार से हो रहे पलायन का एक सबसे बड़ा कारण है। हम इस टॉपिक पर और आगे बढ़ने के साथ ही आइए बिहार से हो रहे लगातार पलायन से जुड़े कई अन्य पहलुओं को भी जानते चलते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश की आज़ादी के बाद बिहार के कुल जिलों की संख्या 1951 में 18 थी, जो 1981 तक 31 हो गई और 1991 तक यहां कुल जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 में बिहार और झारखंड राज्य का विभाजन हुआ, इस समय तक भी दोनों राज्यों को मिलाकर जिलों की संख्या 55 ही थी। जब बिहार से अलग राज्य झारखंड की मांग हुई तो ऐसे में इसके दक्षिणी भाग के 18 जिलों को अलग करके यह एक नया राज्य बनाया गया, जो कि बिहार के विकास और बिहार में खनिज संपदा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसमें पूरे बिहार की तरक्की भी छुपी हुई थी। लेकिन बिहार से झारखंड के अलग होते ही कृषि ही एकमात्र रोजगार का सबसे बड़ा सहारा बच गई, जिसके बाद यहाँ से पलायन को रोकना और मुश्किल काम होता गया। नए राज्य झारखंड में कुल जिलों की संख्या 18 और बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 37 बची थी, जो अगस्त 2001 तक 38 हुई। लेकिन अगस्त 2001 के बाद बिहार में पिछले 18 साल से कोई नया जिला नहीं बना, जबकि लगभग इन 2 दशकों में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के औसत जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। मौजूदा समय में बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें से लगभग 24 जिले बाढ़ के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील जिले हैं। अभी हाल ही में बिहार के कई ऐसे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में इन सभी जिलों के निवासी बाढ़ से होने वाली क्षति की चपेट में भी बार बार आते रहते हैं, जिससे उनकी माली हालत बद से बदतर होती जा रही है।
और इस कारण भी उन्हें अपने निश्चित रोजी रोटी की तलाश में बिहार से पलायन होने को विवश होना पड़ता है। 38 जिलों वाले बिहार राज्य के 8 जिलों का पानी ही प्राकृतिक रूप से पीने लायक है। शेष 30 जिलों के इलाके आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रभावित हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि दर के कारण बिहार पलायन के साथ साथ कई गंभीर समस्याओं का सामना करने को विवश है। दूसरा, पीने लायक पानी की कमी भी अब बिहारियों के लिए एक बड़ी भयंकर समस्या बनने लगी है। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भी पीने लायक पानी का अभाव बिहार के लोगों के बीमारियों से ग्रसित होने का एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि देर ही सही, पर अब कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी पीने लायक पानी के अभाव की समस्या से चिंतित दिख रही है और इस समस्या से निराकरण की दिशा में कुछ न कुछ अच्छा करते भी दिखने लगी है। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के लगभग 2,70,000 जल स्रोतों के पानी का परीक्षण कराया है। परीक्षण के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक गंगा के किनारे बसे 13 जिलों में आर्सेनिक की मात्रा और दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है, जबकि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग के 9 जिलों के पानी में आयरन की भी मात्रा अधिक पाई गई है। सिर्फ पश्चिमोत्तर बिहार के 8 जिले ऐसे बचे हैं जहां के पानी में इनमें से किसी खनिज की अधिकता नहीं है। यानी पूरे बिहार में सिर्फ 8 जिले ही ऐसे बचे हैं जहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से पीने लायक है। उनमें बिहार में पूर्वी चंपारण का नाम भी आता है। हम बात करें पूरे चंपारण की तो बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया में विशेषकर चंपारण में जल स्तर का सबसे ज़्यादा होना और यहाँ की जमीन का उपजाऊ होना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। चनपटिया के बासमती चावल और मुजफ्फरपुर के लीची के अलावा चंपारण के आम का स्वाद भी पूरी दुनिया को ललचाता है, जिससे पूरी दुनिया में उसकी मांग देखी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी मांग के बदले कमी को पूरा करने के लिए सरकार के तरफ से अभी ऐसा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आर्थिक फायदा और विशेष भला भी हो सके। बिहार से हो रहे पलायन की संख्या में इन सभी मांगों की ओर सही रूप में ध्यान देने से बड़ी कमी आ सकती है और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार का सहारा भी मिल सकता है। बिहार के कई अन्य ऐसे जिले हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विकास के समुचित मांग और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुशासन के क्षेत्र में बिहार के साथ साथ पूरे देश की मजबूती के लिए इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, जिससे पलायन को रोका जा सके। नमस्कार।